राजस्थान यूनिवर्सिटी के फाइन आर्ट्स ऑफ स्कूल में आज से मिनिएचर आर्ट्स को बहुत ही उपयुक्त अंदाज में पेश किया गया। मिनिएचर वर्कशॉप में शहर के नामी गिरामी कलाकारों ने भाग लेकर छात्र छात्राओं को मिनिएचर आर्ट के बारे में बताया। आजकल की जनरेशन को मॉडर्न आर्ट ज्यादा पसंद आ रहा है, वहीं वर्कशॉप में वरिष्ठ कलाकारों ने मिनिएचर आर्ट को बना के छात्र छात्राओं को बताया। वर्कशॉप 10 तारीख तक चलेगी, जिसमें मिनिएचर के बारे में बहुत कुछ बताया जाएगा। ये 5 डेज का कैंप है जो आज से 5 तारीख से शुरू हुआ और 10 तारीख तक ही चलेगा। ये मिनिएचर लघु चित्र कला पे इस पर है, जिसमें काफ़ी नामी ग्रामी कलाकार भी हैं और साथ में कुछ कला विद्यार्थी भी इसमें भाग लेंगे। और इसमें हमारा मेन मकसद ये है कि इस पारंपरिक जो कला है, इसको विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले, इसके बारे में सीखे, नई नई किस तरह इसको पुरानी टेक्निक कैसे यूज़ की जाती थी, किस तरह पेपर में यूज़ किए जाते थे, इन विधाओं के लिए हमने इसको कैंप को किया गया है। मिनिएचर आर्ट नहीं, मिनिएचर एक फॉर्म है, मतलब कोई भी बड़ी चीज़ अपन उसको छोटे बनाएंगे तो वो मिनिएचर फॉर्म है। तो हम जो इंडियन जो पेंटिंग बनती थी, पहले फोटोग्राफी थी नहीं, तो राजाओं के दरबारों में जो प्रशय था, तो इस बात के लिए था कि उस समय को अपन रिकॉर्ड कर सकें, इसलिए वो पेंटिंग बनाती। दरबार है तो दरबार में कोई खास मेहमान आया तो उस मौके पर पेंटिंग बन रही, कोई खास त्यौहार उस मौके पर पेंटिंग बन रही है, तो वो बनती थी सब छोटी, क्योंकि वो संग्रह करने के लिए ईजी हो जाती थी और अपने रखने के लिए ईजी होती थी, तो वो जो उसका आकार था उस कारण वो मिनिएचर कहलाई।